तो हे फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोमल दे ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज काफ़ी भारी 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 डिमांड के बाद आज मैं आपके जो राहुल भैया है ना उनके ऊपर करने वाली हूँ ज़बरदस्त खतरनाक प्रैंक। मैं उनके ऊपर करने जा रही हूँ डाइवोर्स प्रैंक, मतलब मैं बोलूँगी मुझे आपके साथ नहीं रहना है ऑल एवरीथिंग। तो काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि भाभी प्लीज़ कुछ तो प्रैंक करो, कुछ तो प्रैंक करो। तो मैंने आज सोचा, आज इनके ऊपर बहुत खतरनाक प्रैंक करने का सोचा। बाहर ना काफ़ी एक अच्छी सीएम की कुछ मूवी देख रहे हैं वो, तो उनका माइंड एकदम अलग ही चल रहा है अभी लेवल पे। उनका माइंड को मैं इस तरीके से करप्ट करूँगी ना, इस तरीके से एरर डालूँगी ना उनके माइंड में कि पूरा एकदम ब्लॉक हो जाएगा। तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा कुछ बहाना करके उनको मैं, आलू बहुत बदमाशी कर रहा है तो उसको संभाल भी रहा है, थोड़ा बहुत बहाना करके ना उनको यहाँ वहाँ डालती हूँ ताकि मैं वहाँ कहीं कैमरा सेट कर सकूँ। और फिर मैं उसके 10-15 मिनट के बाद फिर शुरू करती हूँ अपना जो धमाकेदार प्रैंक है ना वो। तो चलिए देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है, और मैं तो बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ और आप भी बहुत एंटरटेन होने वाले हैं। तो सो बने रहिएगा। क्यों उसमें कपड़े भर रही हो? हाँ? क्यों भर रही हो मतलब? हाँ उसमें क्यों भर रही हो कपड़े? मैं जा रही हूँ मायके। मायके? हाँ। थोड़े बहुत कपड़े लेके जा रही हूँ, बाकी के जो बचेंगे वो आप भिजवा देना। मायके? लेकिन मायके क्यों? मायके क्यों? हाँ? मैं आपके साथ रहना वाला नहीं चाहती हूँ। क्या हुआ? मुझे नहीं रहना है यार, मैं थक गई हूँ आपसे यार, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं ऐसी जिंदगी से। अरे क्या किया भाई ऐसा? क्या किया मतलब? क्या किया? क्या कर रहे हो आप? अभी नाटक क्या है तुम्हारा? क्या नाटक? नाटक खुद नौटंकी किए हो इतने दिनों से। अरे मैंने क्या किया? एक तो आज संडे है, संडे के दिन इंसान फैमिली को टाइम देता है तो निकल गए अपना काम पे। हाँ एक दिन छुट्टी मिलती है वो भी आप हमें नहीं देते हो। ये तो बात छोड़ ही दो, आपके पास तो हमारे लिए 1% का भी टाइम नहीं रहता है। कोई इंसान वाइफ के साथ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे? क्या नाटक है कुमार? चिल्लाओ मत। काम रहेगा तो काम नहीं करूं? इसी आपके बर्ताव के वजह से ना मुझे नहीं रहना आपके साथ, समझे? अच्छा मतलब इमरजेंसी कोई काम आए तो नहीं करें? नहीं जब ऐसी जिंदगी जीनी है तो इससे अच्छा मैं मायके में ठीक हूँ ना अकेले। जब यहाँ भी अकेले हूँ तो वहीं ठीक हूँ मैं अकेले। तो अंबानी के घर शादी कर लिए होते? यही आपके रवैये की वजह से ना मुझे अब नहीं रहना आपके साथ, समझे? तो नहीं करनी चाहिए थी ना शादी। अरे यार काम रहेगा तो काम नहीं करूंगा। अभी फेस्टिवल आ रहा है ना, कोई तैयारी ना कुछ। काम रहेगा तो काम नहीं करूंगा। ये पता है जितने भी साल मैं आपके साथ रह गई ना मैं थक चुकी हूँ आपके साथ रह रहे, समझे? कोई आपको मेरे से लगाव नहीं है, जब देखो मोबाइल स्क्रॉल करते अपना जिंदगी अपनी जी रहे हो, ऐसा लगता है बैचलर में जी रहे हो। कोई इंसान मतलब एक वाइफ है उसके अच्छे साथ उसके साथ ट्रीट करे, कपड़ा किधर भी फेंक देंगे अपने हिसाब से रहेंगे, टॉवेल ऐसी डाल देंगे बिस्तर पे। मजाक कर रही है मेरे साथ? ये कोई मजाक चल रहा है? तो कपड़ा रख दो यहाँ, वो रख दो, उसके लिए डिवोर्स लेगी तू? कोई आप हिसाब से रहते ही नहीं हो, समझे क्या? कभी मेरा कुछ सुनते ही नहीं, आप अपने हिसाब से चलते हो। तो डिवोर्स लेने से सब सही हो जाएगा? कम से कम जैसे अब मैं जिंदगी जी रही हूँ एटलीस्ट उससे तो एकदम दिमाग तो शांत रहेगा। डिवोर्स लेने के बाद जिंदगी झंड हो जाती है तेरे को पता है? वो आप मुझे मत सिखाओ कि क्या हो जाएगी, अब भी जो तकलीफ में है वो तकलीफ तो नहीं रहेगी। कोमल क्या तकलीफ है, अच्छी खासी लाइफ चल रही है, काम नहीं करूंगा तो खाएंगे क्या? और तेरे पास इतना पैसा है क्या कि तू पेट भर सकती? तो मैं तेरे साथ ही रहता हूँ 24 घंटा तेरे पास। चलो आप मेरे साथ ये बोल रहे हो काम पे, काम का तो चलो मैं साइड में रख देती हूँ, वो चलो ठीक है।
बाकी चीजें आप मेरी कोई बात मानते हो क्या? देखो मैं वहाँ काम करती रहती हूँ, आप ऐसे ही सब फैलाए रखते हो, मैं वहाँ खटती रहती हूँ, कोई इधर ये सब मैं सब तो दिन भर क्या करती रहती है, दिन भर क्या सोती है ना, आराम ही करती है ना, यही रीजन की वजह से, क्योंकि आपको मेरी कोई चीज की वैल्यू नहीं है। मैं दिन भर कितना काम करती हूँ ना, मुझे रहना ही नहीं, जिस इंसान को मेरी वैल्यू नहीं है मुझे उसके साथ रहना ही नहीं है। वैल्यू क्यों नहीं मुझे, क्या वैल्यू क्यों नहीं है, क्या कभी आप अभी क्या बोले, दिन भर क्या करती है, मतलब मैं सिर्फ काम करने के लिए लाया हूँ मुझे, हाँ नहीं, ये सब फालतू हरकत मत करना मेरे साथ, मैं अब निकल रही हूँ। मैं ना ऐसी जिंदगी से जीने से अच्छा है ना अकेली जिंदगी, और बच्चे को भी एक काम करूँ, मैं उसका कपड़ा जो रखी थी एक आध जोड़ी, सोची थी एक जोड़ी तो लेके जाऊंगी, क्योंकि हैवी है बैग, बच्चे को लेके जाऊंगी प्रॉब्लम है, तब उठा नहीं पाऊंगी बाद में, लेकिन एक काम मैं तो सोच रहा हूँ, बच्चे को आप ही संभालो, कम से कम आपको फील तो हो कि पूरा दिन घर में मैं करती क्या हूँ, जो बोलते हो ना करती क्या है, कम से कम फील तो हो मैं घर में करती क्या हूँ, बच्चे को भी आप संभालो, घर का काम भी आप ही करो, ऑफिस भी आप ही संभालो, तब पता चलेगा मैं करती क्या हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ घर, यही मेरी जो जीरो वैल्यू बनाया हो ना वो पता चलेगी आपको करती क्या हूँ। मैं थक चुकी हूँ, कोई भी काम बोलो नहीं करना है, ये ऐसे ही ऐसे पड़े रहेगा, मतलब यार आपकी घर के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं ऐसी अच्छा। हालत से अच्छा है कि अच्छा अच्छा शांत हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे क्या चाहिए मैं समझ नहीं पाया, तुझे क्या चाहिए, क्या 8 साल हो गया समझ नहीं पाए हैं अपनी बीवी को क्या चाहिए, क्या है, कैसे रखना है, क्या बोलना है, कोई एक इमोशनल कुछ फील भी नहीं बात करते हैं। जब मैं काम पे जा रहा हूँ तो तुमको प्रॉब्लम है, घर पे रह रहा हूँ तो तुमको प्रॉब्लम है, तो मैं जाऊँ कहाँ, जन्नू में? तुम तो कभी घर पे भी रहते हो तो भी हमारे साथ नहीं रहते हो, जन्नू में जाओगे, जन्नू में तो मुझे भेजने के लिए आप तैयार हो 24 घंटा, हमारे साथ जिंदगी ऐसे हो गई है ना जैसे ठीक है, अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, तुम जैसे जी रहे हो जियो, मैं अपना जी रहा हूँ, वैसे वैसी जिंदगी चल रही है, जो आता है उठ-सुट कुछ भी आके मुझे बोल के चला जाता है, बस कोई इज्जत कोई है ही नहीं। किसने तुझे क्या बोला, क्यों आप नहीं मुझे बोलते हो कुछ भी, तो कोई कौन आया, जो आप देखो वो जो कुछ भी बोलेगा, यार कोई रिस्पेक्ट कुछ नाम की चीज होती है कि नहीं यार लाइफ में? क्या सॉरी, नहीं नहीं 8 साल हो गया मैं थक चुकी हूँ आपके हर सॉरी 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 से, बस सॉरी बोल के सोचते सारा काम निपट जाए। I'm sorry. ये सब बहाना मत करना, मैं जे जाने दो, क्योंकि अब मैं बहुत बर्दाश्त कर सकी हूँ, 8 साल तक किया, बहुत झेल लिया भाई, माफ करो मुझे, मुझे जाने दो, निकलने दो। अभी तक तो सब सही था, अभी तक कुछ भी सही नहीं था, तुमको कुछ दिखता ही नहीं कि बीवी क्या सोचती है, क्या रहती है, कैसे रहती है। अच्छा तू अच्छे से रह, ये तो अच्छे से रखूंगा। नहीं 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 नहीं, कोई वैल्यू नहीं, मुझे रहना ही नहीं है, कुछ करने को बोल दो तो बाप रे आपको तो एकदम ये जो हर बार का इमोशनल लेते हो ना, ये प्लीज इस बार नहीं चलेगा, मैं थक चुकी हूँ यार, मैं आपके हर रवैये से हर आदत से थक चुकी हूँ, हर चीज मतलब क्या पागल समझे हो मुझे, हाँ बेवकूफ हूँ मैं? अंबानी से शादी करवा रहे हैं मेरी, देखो इनका सिर्फ हंसी में जिंदगी उड़ा लो, कोई कभी सिंसियर मत हो। I'm sorry. चल ठीक है अभी चलती क्या, अभी क्या करना बोल, मैं करता हूँ। देखो क्या करना, आप ना मुझे कहीं घूमने लेके जाते हो, ना मुझे कभी शॉपिंग कराते हो, ना कभी ज्वेलरी खरीदते हो। शॉपिंग में पैसा जाएगा, घूमने में पेट्रोल जलेगा या पैसा जाएगा, यही रवैये की वजह से, घूमने जाएंगे तो पेट्रोल जलेगा, शॉपिंग में पैसा जाएगा, तो एक काम करो पैसा अपना रखे रहो, तुमको मैं जा रही हूँ, तुमको जो हो लेके चलता हूँ, पानी पूरी या पाव भाजी खाएंगे, पानी पूरी में यही ठेले पे खा लूंगी जाके अकेले, समझे, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे, हट जाओ। अच्छा और एक काम करो, बच्चे को आप ही रखो, अच्छे से संभालना, मस्त इंजॉय करना, पता चलेगा वैल्यू क्या है, तब पता चलेगा पूरा दिन मैं कैसे खटती हूँ, क्या है मेरी कोई चीज की वैल्यू नहीं है ना, क्या पूरा दिन तो ऐसे ही करती तो रहती, इतना काम नहीं कर सकती है, यही बोलते हो ना फोन पे? अच्छा एक फोन कॉल तक नहीं करते हो आप, जब शादी हुई थी तब हर 15 मिनट में आई लव यू का मैसेज, हर आधे घंटे में कॉल, और अभी क्या, अभी तो पूरा पूरा दिन गायब रहते हो, पता नहीं चलते कहाँ हो, कहाँ उड़े पड़े हो, पंछी की तरह उड़ते रहते हो मस्त आजाद की तरह, और मुझे ब्लॉक करके रखे हो, है ना? अच्छा ठीक है, नहीं मुझे नहीं, मैं भी उड़ूंगी, अब मुझे जाना है, मैं मायके जा रही हूँ, वहां से उड़ूंगी और इतनी तेज छलांग लगाऊंगी ना, मुझे रहना ही नहीं आपके साथ, थक गई हूँ मैं, डाइवोर्स पेपर पर भेज दूंगी आपको, ठीक है, वहां से मैं नहीं रह पाऊंगी आपके साथ। चलो ऑटो बैग लेने दो मुझे,
चलो चलो नौटंकी ना, ये लड़कियों वाली मेरे साथ मत करना, हटो। मुंह पे क्या हाथ रखे हो? ये देखो फर्क भी नहीं पड़ रहा है, मैं जा रही हूँ, मुंह पे अपना हाथ रखे रखे हैं। चलो ठीक है, मेरे को निकलने दो, जाने दो मुझे। सच में आपका ये ड्रामा ना मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। कुछ नहीं होगा, सब सही कर दूंगा, ठीक है। क्या सही करोगे? क्या सही करोगे? जब कुछ गलत रहेगा तो उसको सही करोगे ना, जब कुछ गलत रहेगी नहीं। क्या हुआ? मेरे भोली सनम, मेरे प्यारे सनम, फ्रैंक हो गया मेरे सजना के साथ। तो फैमिली प्रैंक हो गया, मुंह पे हाथ रखे ऐसे रखे, सारा स्ट्रेस मेरा निकल गया। आपका निकला कि नहीं? स्ट्रेस मिला दिया मैंने इनको, टेंशन दे दी यार अचानक में इसको। लेकिन शॉपिंग कराओगे कि नहीं? कराऊंगा कराऊंगा भाई, है ना। वे बोलते हैं मुझे घूमने लेके जाऊंगे तो पेट्रोल वेस्ट होता है, वाह। शॉपिंग कराएंगे पैसा वेस्ट होता है, वाह। अगर अभी नहीं करवाया ना पक्का जाऊंगी, करवाऊंगा करवाऊंगा पक्का करवाऊंगा। नहीं करवाया ना तो पक्का सेकंड प्रैंक के लिए रेडी रहना, वो भी धमाकेदार वाले। तो चलो फैमिली देखते ये शॉपिंग वॉपिंग करवाते हैं कि नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार प्रैंक या ब्लॉग के साथ। प्लीज़ ब्लॉग को भी सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि ब्लॉग्स के व्यू थोड़े कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसे भी सपोर्ट कीजिएगा, प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय मेरा दिमाग हिला के रखती है, वायरस घुस गया है, चल बाय।